अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड चेन। आज हम फूड चेन में बना रहे हैं होममेड मिक्स अचार, जो कि बहुत इजी और बहुत आसान है। ये आप लोग भी बनाइएगा। इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो हैं आधा किलो सरसों का तेल, 6 अदद नींबू, हाफ कप लहसुन ले लिया है हमने, और ये तकरीबन 10 अदद हरी मिर्ची है, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून कलौंजी, 2 टेबल स्पून मेथी और 2 टेबल स्पून राई डलेगी, और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक। सबसे पहले हम नींबू की कटिंग करेंगे। अब देखिए, एक नींबू लिया हमने। अब नींबू को इस तरह रख के इसकी हाफ कटिंग कर लेंगे। इस तरह सारे नींबू एक एक करके देखिए सारी नींबू हमने कटिंग कर ली। अब हम एक बड़े जार में इसको, सॉरी, एक बड़े बाउल में इसको हम रख देंगे। अब हम इसी तरह मिर्चियों को हम क्या करेंगे, मिर्चियों को कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ एक थोड़ा सा इसके अंदर छुरी से सुराख कर लेंगे, बस थोड़ा सा, इतना। इस तरह देखिए, दोबारा मैं आपको बताती हूँ, बस थोड़ा सा छुरी से, थोड़ी सी कटिंग, एक सुराख की तरह हर मिर्ची में इस तरह, बस। अब देखिए सारी मिर्ची हमने इसी तरह छुरी से सुराख कर लिए हर मिर्च में, ये थोड़ा सा। अब सारी मिर्ची हम एक इस तरह सुराख कर लिया हमने। अब सारी मिर्ची हम इस बाउल में डाल देंगे। ये लहसुन डाल देंगे हाफ कप जो हमने लिया था, और अब ये लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये तीनों चीजें इसके अंदर जाएंगी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको, और तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के लिए इन मसालों को लगा के आपको छोड़ देना है। देखिए, इसको हमने मसाला के रख दिया था और आपको बताया था कि 2 घंटे करने हैं पूरे। 2 घंटे हो गए हैं। अब हम सरसों का तेल गरम करेंगे पैन में। अब हम पैन गरम हो चुका है हमारा, अब हम तेल डाल रहे हैं इसमें। जब तेल गरम हो जाएगा फिर हम एक एक करके सौंफ, राई, मेथी, कलौंजी सब डाल देंगे। देखिए, सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर सौंफ। सौंफ डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना। इसको हल्के हल्के तरीके से चलाना है। अब हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी डालने के बाद अब हम डालेंगे राई दाना। इसको 2 मिनट तक पकाना है। देखिए, इसको 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इस डिश में सारे मसाले डाल देंगे।
हम इसका मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो तेल में सौंफ, मेथी, रायदाना और कलौंजी जो गरम कर ली थी अच्छी तरह, अब इसमें मिक्स भी कर लिया था। अब हम एयरटाइट कंटेनर में इसको डाल देंगे। ये देखिए, इसको डाल दिया हमने। अब सारा मसाला इसमें से निकाल लेंगे। और जो भी आप कंटेनर लें वो बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना अचार खराब हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह इसको पैक करके ढक्कन से इसको बंद कर लेंगे और इसको हम रख देंगे। फिर हर रोजाना आप किसी गर्म जगह पे इसको रख दें कंटेनर को, और रोजाना आप चम्मच से इसको हिलाते जाएं, हर एक दिन रोजाना। और 6 दिन के बाद हमारा अचार इंशाल्लाह 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन में तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा अचार को आज 6ठा दिन है। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे इसका। और मैंने इसको रोजाना सुबह इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह नीचे से ऊपर हिला देती थी ताकि अच्छी तरह मसाले में ये अचार गल जाए। देखिए अचार कितना अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ एक प्लेट में निकाल के। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन, नींबू, हरी मिर्चियाँ बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं। बहुत मज़ेदार अचार बना है ये, आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में भी आसान है और ये तकरीबन 6 दिन में अच्छी तरह गल जाता है। और अगर अगर आपको लगे कि ये तेल ज़्यादा है तो आप तेल को एक बाउल में निकाल के अलग से रख दें, ताकि ये तेल अगर आप दोबारा अचार बनाएं तो आपको इसी तेल में आप अचार बना सकते हैं। ऑयल ज़्यादा ऊपर आ रहा है तो आप बीच में से ही सारा मसाला निकाल के किसी अलग एयरटाइट कंटेनर में रख दें और तेल रहने दें, तो आपको ये तेल काम आ जाएगा दूसरी बार अचार बनाने में। और ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार अचार बनता है। आप किसी भी सब्जी का अचार बना सकते हैं। मैं अलग बाउल में ये मसाला निकाल रही हूँ और तेल जो है वो इसी बाउल में रहने दूंगी। जब नेक्स्ट टाइम अचार बनाऊंगी तो ये मुझे ऑयल काम आ जाएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये अचार जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।